साथ स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ओमी राष्ट्रा। प्रस्तुत है टुडे टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कसौली गोलीकांड सरकार की पूर्ण विफलता का परिणाम है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाली भाजपा सरकार के तमाम दावों की पोल इस गोलीकांड ने खोल दी है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था लचर एवं नाजुक दौर से गुजर रही है। कसौली गोलीकांड, नाबालिगों से रेप तथा शिक्षकों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में विरोध में कांग्रेस ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रस्तुत है संवाददाता प्रियंका चौहान की रिपोर्ट। कांग्रेस का आरोप है कि यदि प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए होते तो कसौली में टीसीपी महिला अधिकारी निरंकुश हत्या न होती। उनका कहना है कि पुलिस की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपराधी पुलिस के समक्ष हत्या कर फरार हो गया और पुलिस अधिकारी मुंह ताकते रह गए। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोलते हुए कहा कि प्रदेश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं घट रही है। नाबालिगों से रेप की वारदातें समाचार पत्रों तथा मीडिया की सुर्खियां बन रही है। शिक्षक गुरु छात्र के रिश्तों को तार तार करते हुए छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज किस तरफ जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, विधायक हर्षवर्धन चौहान, विक्रम आदित्य, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान सहित अनेकों नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले चार महीने से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के लिए जो SIT गठित की गई थी और जिस संदर्भ में एक महिला अधिकारी जो अपना कर्तव्य प्राणता का धर्म निर्वाह रही थी, सुबह अपने घर से निकली और शाम को वो हत्या उन पर गोलियां चली और वो हम सबको छोड़कर चलेगी, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की और सरकार की चूक है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चूक है। आप देख रहे हैं आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, छात्रों के साथ शिक्षक दुराचार कर रहे हैं। किस ओर समाज जा रहा है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हत्याएं हो रही है, बलात्कार के घटनाएं दिन प्रतिदिन आए दिन अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। परौर में तो एक लड़की के साथ तीन लोग बलात्कार करते हैं, एक छात्रा जो छेड़छाड़ी होने के कारण आत्मदाह कर लेती है। इन सब चीजों की ओर जयराम सरकार जी को ध्यान देना चाहिए और हमने गवर्नर से कहा है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। फ्यूचर हमारा, अभी हमने पिछले कल धरना दिया, सरकार का ध्यान दिया। अगर आगे और भी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो निश्चित तौर पर आगे हम और कार्रवाई करेंगे।